हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है गेट अनरेडी विथ मी, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, मेकअप रिमूवल और स्किन केयर देखना। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में भी मैं सेम आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के वीडियो के लिए मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आप मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर आप लोगों को एक बात नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मेकअप करने से ज़्यादा मुझे मेकअप रिमूव करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद मेरी स्किन काफ़ी लाइट फील करती है और जितना भी मैंने जो भी लगाया होता है वो सब निकल जाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, स्किन को भी रिलैक्स मिलता है। तो इसलिए मुझे मेकअप रिमूवल मेकअप करने से ज़्यादा अच्छा लगता है। आते हैं हमारे वीडियो पे। तो आज के मेकअप को रिमूव करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ जॉनसन्स बेबी ऑयल, ये देखिए। तो इसी को यूज करके आज का मेकअप मैं रिमूव करूंगी। और एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं, लास्ट आई थिंक 3 या 4 दिनों से मैं ये ऑयल रेगुलर अपने फेस पे यूज कर रही हूँ फेस मसाज के लिए, और मुझे ये ऑयल काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे जॉनसन्स बेबी ऑयल की स्मेल मुझे वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, वैसे सारे प्रोडक्ट की स्मेल बहुत अच्छी होती है। और इस ऑयल का बेनिफिट ये है कि अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली भी है तब भी आप इस ऑयल को यूज़ कर सकती हैं, और स्किन पे काफ़ी जेंटल है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, मेकअप को बहुत इजीली रिमूव कर देता है और स्किन के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फिलहाल मुझे ये ऑयल यूज़ करना बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आईज पे रखिए, आईलाइनर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आईलाइनर वाटरप्रूफ है तो उसे मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैंने मस्कारा भी अप्लाई किया था। सेम प्रोसेस मैं दूसरी आई में भी करूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे रखूँगी अपनी आईज पे, ताकि जो मस्कारा है आईलाइनर है वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद जब एक बार मेल्ट हो जाएगा तो हल्का सा आप प्रेस कर देंगे तो मेकअप बहुत आसानी से आपकी आईज से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आईज बहुत सेंसिटिव होती हैं तो उन पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। तो लीजिए, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं, मैंने अपने फेस पे सिर्फ कॉम्पैक्ट अप्लाई किया था सनस्क्रीन के बाद, बाकी मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ मैंने आई मेकअप ही किया था। तो एक बार मैंने मेकअप रिमूव कर दिया, अब मैं दोबारा सेम ऑयल लूँगी एक अलग कॉटन पैड पे, और इससे मैं अपने फेस को एक बार फिर से क्लीन करूँगी।
तो मैंने अपना फेस क्लीन कर दिया है और मैं इस ऑयल को तुरंत क्लीन नहीं करूँगी, तुरंत वॉश नहीं करूँगी। मैं कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इस ऑयल को अपने फेस पे ऐसे ही रहने दूँगी और उसके बाद मैं फेस वॉश यूज़ करूँगी। अब आप लोग सोचे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से ऐसे ही रेगुलर यूज़ कर रही हूँ और मुझे मेरी स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट फील हो रही है, मतलब पहले से ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है। ये आईज़ जो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती थी तो उस पर भी मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, स्किन काफ़ी बेटर फील हो रही है। तो इसलिए अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि मेकअप मैंने रिमूव कर दिया। अगर मैंने मेकअप ना भी किया हो तब भी ऑयल हल्का सा लेके अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ और 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसे ऐसे ही रखती हूँ, उसके बाद मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। तो 1 से 2 मिनट हो गए थे और मैंने फेस वॉश कर लिया है। उसके लिए मैंने यूज़ किया था वादी हर्बल का प्योर हनी लेमन फेस वॉश। और अब बारी है फेस पैक की। मैं कोई स्क्रब यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं एवरीडे स्क्रब नहीं करती हूँ। वीक में एक बार या बहुत ज़्यादा हुआ तो वीक में 2 बार, मैं उससे ज़्यादा स्क्रब यूज़ नहीं करती हूँ। और फेस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ DIY, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट ही मैं यूज़ करूँगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। फेस पैक के लिए मैं DIY यूज़ करूँगी और मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसमें मैं मिक्स करूँगी मुल्तानी मिट्टी पाउडर, थोड़ा सा ही मुल्तानी मिट्टी ऐड करूँगी जिससे फेस पैक जो है वो अच्छे से बन जाए। और लास्ट है पेस्ट बनाने के लिए रोज वाटर। फेस पैक रेडी है और अब मैं इसे अप्लाई करूंगी। वैसे मेरी स्किन बीच में काफी खराब हो गई थी, मतलब काफी सारे एक्ने आ गए थे और काफी डल हो गई थी, लेकिन अभी मुझे मेरी स्किन काफी अच्छी लग रही है क्योंकि काफ़ी क्लीन और सॉफ्ट दिख रही है, तो इसलिए मुझे अब अच्छी लग रही है। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं हमेशा अपने स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस करती हूँ बजाय मेकअप के, क्योंकि मेकअप आप कितने भी अच्छे से कितने भी परफेक्ट तरीके से अप्लाई कर लो, लेकिन मेकअप हमेशा मेकअप ही रहेगा, वो कभी भी स्किन आपकी नेचुरल स्किन जैसा नहीं दिखेगा। दूर से कोई देखे तो अच्छा लगेगा कि हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन पास से अगर कोई देखेगा तो उसे पता चलेगा कि मेकअप अप्लाई किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी नेचुरल स्किन ही अच्छी है तो मेकअप की क्या ज़रूरत है, क्यों हम बेवजह वो 10 लेयर अप्लाई करें अपने फेस पे। इसलिए मैं स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। फेस पैक की बात कर लेते हैं। मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट के बारे में आपको पता ही है, और अगर मैं ऑरेंज पील पाउडर की बात करूं तो वो स्किन को लाइट करने का काम करता है, साथ ही साथ पोर्स को भी अनक्लॉग करता है और क्लीन करता है, और स्किन को काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। तो जो बेबी स्किन होती है वैसी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ऑरेंज पील पाउडर। और रोज़ वाटर तो आपको पता ही है। तो मैं इस फेस पैक को 10 से 15 मिनट तक रखूंगी, लेकिन कम्प्लीटली ड्राई नहीं करूंगी। एक पॉइंट मैं यहाँ पे और आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तब भी, नॉर्मल सेंसिटिव जो भी है, कभी भी फेस पैक को कम्प्लीटली ड्राई मत होने दीजिए। जब वो हल्का हल्का वेट रहे, आपका फेस बहुत ज़्यादा इची ना फील हो, तभी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि फेस पैक ड्राई हो जाता है तो आपकी स्किन भी उसके साथ साथ ड्राई होती है। इसलिए सेमी ड्राई रहे तभी फेस पैक को रिमूव कर दीजिए। फेस पैक सेमी ड्राई हो गया था तो मैंने फेस पैक रिमूव कर दिया और अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ वाटर, पैकेट भी पहुँच जाइएगा बट इसके अंदर रोज़ वाटर ही है। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट मॉइस्चराइजर जो कि बन चुका है, और ये है पॉन्स का सुपर लाइट जेल।
और अगर आपकी भी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, पिंपल प्रोन है, तो आप इस मॉइस्चराइजर को ट्राई ज़रूर करिएगा। फिलहाल बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे मेरा स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक फाइनल स्टेप अभी रह गया और वो है लिप बाम का, और बस उसके बाद मेरा स्किन केयर कंप्लीट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सनस्क्रीन क्यों नहीं अप्लाई की, क्योंकि अभी हो चुके हैं, शाम का टाइम है, 5:30 हो चुके हैं, तो इस टाइम मैं सनस्क्रीन अब नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई किया था। बस मेरा स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि था मेकअप रिमूवल और स्किन केयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, आपने एंजॉय किया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आप मेरे सारे वीडियोज़ देख सकें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।